चीज आपको बता दूं, ये जितना सीधा दिखता है ना कैमरे पे, ये इतना है नहीं। मैं सच वाली बात बता, तेजस तुम बहुत क्यूट हो, तेजस बहुत अच्छी बच्ची, कहाँ से क्यूट लगता है, दिखता है क्यूट। देखो देखो लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा। हाँ मुझे कुछ लोग कहते हैं कि तुम लड़की की तरह बोल, लड़की की तरह लगती है। नहीं ना, बताइए इतनी बेइज्जती कौन करता है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस टाइम मैं अभी जस्ट स्कूल से आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा थका हूँ क्योंकि इस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही है और 3:30 बज रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। और इस टाइम मेरे भैया का एक दोस्त भी आया है जिसका नाम एकांश है, और चलिए आपको उससे भी मिलवाता हूँ और दिखाता हूँ कि मम्मी लोग आगे क्या क्या कर रही है। और शायद डैड कहीं गए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये भैया के दोस्त हैं, इनका नाम एकांश है। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो आते हैं, ये हम लोग मतलब साइकिल से आते हैं तो हम लोग बहुत थके रहते हैं धूप में, तो हम लोग आते हैं फिर उसके बाद ये इनको पानी नहीं पिलाते, फिर आराम से हम लोग बैठते हैं, फिर आराम से बातें बातें करते करते आते हैं। और हमको लगा कि डैड वहाँ है, पर असल में डैड हम घर ही में थे और मुझे लगा कि डैड कहीं गए हैं। मतलब जिनकी हाइट छोटी रही है तो मक्के वजह से नहाएंगे। और क्या बताए ना, तुम्हें लोग बताए अभी क्या, जय को मक्का लेके जाना है। वो तो आप बता रहे, वो तो आप बताए। हमने कहा साबुन लेके जाना है। हाँ तो साबुन लेके साबुन कौन ले आता है? साबुन लेकर के ही जाना है, कोई नहीं नहा लेना, मैल वैल छुड़ा लेना वहाँ पे कायदे से। तुम उनके फिट रखो। तुम यहाँ पे भैया के फ्रेंड एकांश जा चुके हैं, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ मुँह हाथ धोने के बाद जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, मुझे भूख भी लगी है। मम्मी खाना निकाल दीजिए। पिछली बार क्या नहीं थे, अब की बार हम लोग वहाँ चलेंगे ना, गोवर्ड चलेंगे ना, चलेंगे यार। दिख ही नहीं रहा कटोरी उटोरी को यार, कोई कटोरी लेके आओ, मुझे ला रहा है। मिल ले मम्मी, ये हाँ इसमें खाओगे? मैं आपके कटोरी दाल के लिए, आप खाना खाएंगे? कोई आया था क्या? कौन? डैड के गांव से आए थे, वही डैड छोड़ने गए थे उनको। थोड़ा चावल आने दो। लौकी की सब्जी क्या मम्मी? आज मजा आ जाएगा मतलब खाने में। अच्छा फिर डिब्बा बना, आ जाए आ तो मैं डैड वो आ गए ना, मेरी जगह में नहा रहे हैं। फ्रेंड्स मैं खाना खा के आ चुका हूँ, इस टाइम मेरा पेट खूब डमाडम भरा हुआ है और मेरी बुआ भी आई हुई है, चलिए आपको उनको भी दिखाते हैं, मम्मी को भी दिखाते हैं, वहीं पे उसी कमरे मम्मी के बेडरूम में सब बातें कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मम्मी को कोलाब करना था और शायद मम्मी भूल गई हैं कि बातें करने में इतना व्यस्त है कि मम्मी को याद नहीं, और मुझे याद था पर मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि आज मम्मी हमको लग रहा था थोड़ा मूड गर्म था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा अभी बोल देंगे फिर जिम डांट पट खा देंगे, इसलिए मैंने छोड़ ही दिया, मैंने कहा जाए। एक जुलाई से सही सही पहले स्कूल का सेशन चालू होता था, इधर पूरी पूरी जून छुट्टी और एक जुलाई से नया सेशन चालू, कॉपी किताब आदमी नया सेशन चालू 10 जुलाई कर देगा। अब तारीख एक हफ्ता छुट्टी समर वेकेशन की मिला है, मेन प्रिंट देखो 30 तारीख का दे रहे हैं।
फ्रेंड्स, मैं इस टाइम सो के उठ गया क्योंकि मैं स्कूल से आया तो मैं थक गया था। मम्मी लोग बातें भी कर रही थी और वही सुनते सुनते बातें मैं सो गया। अभी जस्ट उठा हूँ और शायद मम्मी आप गुलाब करने जा रही कर चुके हैं। भैया अब गुलाब नहीं करने जा रहे, डाल रहे हैं, कर चुके हैं। मतलब कर लिए? बताइए, हम सोते रह गए, मम्मी गुलाब भी कर डाली। तो क्या करते आज किस चूड़े काम? आप लोग दिखा दिखा दिखा। देखिए फ्रेंड्स, आज मेरी चैनल पे कम्युनिटी पे लगाई वाला चूड़ा, इसका आज हमने गुलाब किया है। सदा सब भगवती भाव। हाँ, तो अभी इसका गुलाब किए, मुझे गुलाब करने में कम से कम 1-2 घंटा लग गया। तुम तो घोड़ा बेच के सो रहे थे। अरे बहुत थकान लगी हुई थी इसलिए मैं जाके फटाक से सो गया। थकान लगी हुई थी, आएंगे सीधा खाना खाएंगे। नहीं, मैं आज ना सोता। वो क्या हुआ, मैं आया, आप लोग बातें कर रही थी, अम्मी वहीं बैठ गए और सुनते 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 एक बार की नींद सो गए। वैसे एक चीज आपको बता दूं, ये जितना सीधा दिखता है ना कैमरे पे, ये इतना है नहीं। मैं सच वाली बात बता रही हूँ आपको, ये खाली कैमरे पे सीधा दिखता है। कहते तेजस तुम बहुत क्यूट हो, तेजस बहुत अच्छे बच्चे हो, कुछ अच्छा बच्चा नहीं है, एक चीज नहीं सुनता है और ना किसी की बात सुनता है, ना घर का कोई काम करता है, बस थोड़ा बहुत करते वो भी 75 बार जब बोलना पड़ता तब वो तुम काम करते हो। अरे पर कर तो देते है ना, 75 बार बोलने के बाद इतनी देर में तो आदमी खुद कर ले काम। भाई कहाँ से क्यूट लगता है, दिखता है क्यूट? बताइए मैं क्यूट दिखता हूँ कि नहीं? बिल्कुल नहीं दिखता है। है तो क्यों था? बस तुम कैमरों में दिखते हो, हकीकत में थोड़ी ना क्यूट हो। हाँ हाँ सच है, हूँ ना करो सची। देखो 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 लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? लड़ नहीं रहा था मैं, मैंने कहा कि लगता हूँ। लगते नहीं हो? कहते कहाँ लगते हो? मुंह से। नहीं लगते। और कुछ लोग कहते कि तुम लड़कियों की तरह बोलते। बताइए मैं लड़कियों की तरह बोलता हूँ? ऐसा बताइए, मेरी आवाज कहीं लड़कियों की तरह लगती है? नहीं ना। बताइए इतनी बेइज्जती कौन करता है? लगती है? नहीं लगती। पूछो पूछो। बताइए मेरी आवाज लड़की की तरह लगती होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कमेंट करके आ गई, बहुत अच्छी तुम्हारी। नहीं, हम लड़की की तरह बात ही नहीं करते। तुम लड़की की ही तरह बात करते ना, ना। देखने में डैड की तरह लगते हो, सब लोग कमेंट लिखते हैं, और लेडी छाप बोलते हो। नहीं। हाँ हाँ। तो अब भैया एक चीज बता दे, भाई हम तो नहीं करेंगे, अब देखना तुम यही करोगी, ये वीडियो जब पोस्ट होगी तो होगी तुम्हारी बेइज्जती। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि लड़की की तरह बोलता है कि नहीं? नहीं बोलता। तो फिर फ्लैश इनको कमेंट करके आप लोग बताइएगा, और फाइनली तेजस अब यही ब्लॉग खत्म करोगे कि नहीं? हाँ, अब यही खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गया, अब ज्यादा मैं नहीं सह सकता। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ। लड़की उत्तर लड़की लेडी छा बोलता है नहीं बोलता है, कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। अरे वो छोड़ो, पहले ये कमेंट करना है कि तुम लेडीज की तरह बोलते हो कि नहीं बोलते हो, डैड की तरह लगते हो कि नहीं लगते हो ना। कमेंट मत करिएगा ये सब। तो फाइनली बोलो ना। हाँ, फाइनली फ्रेंड्स मैं अपना छोटा सा व्लॉग यहीं खत्म करता हूँ। अगर पढ़ने जाता हूँ। हाँ, और पढ़ने जाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अपने तेजू के साथ। बाय बाय।